MSS जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज के लिए डिफरेंट वैरायटीज के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहां पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है। और यहां पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबुद्दीन बाजार, बाबू लाइन, नियर गणेश नगर। नमस्कार, न्यूसाप्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम हैं अरुण सिंह मल्लिक सर के साथ और उन्हीं के ऑफिस में बैठकर हम अब उनसे दो सवाल पूछेंगे। और आज इन्होंने जो बात कही है वो हम आपको दिखाएंगे भी। और काफ़ी यूथ्स है जो अंडमान निकोबार के, जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स, उन सब के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। और सर जो है आप सभी, पहला बात हम आपको ये बता दें, आप सभी इनको जानते होंगे, मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड इनका जो है वो बिजनेस है। लेकिन उसके अलावा ये जो है हमारे यहाँ के जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ्स है, और खाली यूथ्स नहीं, अंडमान निकोबार के हर लोगों के लिए ये कुछ स्कीम लाए हैं। तो आखिर ये क्या चीज़ है, हम इन्हीं से दो सब सुनते हैं। तो सर बताइए, आपने अपना कुछ नया वेंचर स्टार्टअप किया है, तो आखिर वो क्या चीज़ है, आप बताइए। आप सभी चैनल भाइयों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। भाइयों बहनों को मैं नमस्कार। मेरा नाम अरुण सिंह मलिक है। 2 ईयर्स से मैं अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हूँ। मैं एक पेशेवर में एक इंजीनियर हूँ। पढ़ने के बाद मैंने अपना इंजीनियरिंग स्टार्ट किया सर। फिर मैंने MS से काम स्टार्ट किया। MS से काम करने के बाद आज भी मैं MS में काम कर रहा हूँ। बढ़िया हमारा काम चल रहा है और मेरा अच्छा चल रहा है। 2 बच्चे हैं, हमारी बेटी भी आर्किटेक्ट है, हमारी वाइफ भी हमारे साथ में है। मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, हमारी वाइफ कंपनी के डायरेक्टर है। हम दोनों मिलकर साथ काम करते हैं। 26 साल से है हम लोग काम कर रहे हैं सर। आप अभी कुछ हमें बता रहे थे, जैसा न्यू वेंचर आप स्टार्टअप कर रहे हैं लोगों के लिए, जो आप ये बता रहे हैं कि आप SBI की तरफ से आप कुछ लोन देंगे। SBI की तरफ से सर हमारा, हमें वेंचर मिला है, मेरे चैनल पार्टनर का बनने का मुझे सौभाग्य मिला है। उस पर क्या होता है सर, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल ये है कि लोग जाते हैं बैंक की तरफ जाते हैं। मैं स्टेट बैंक का बात नहीं करूँ, मैं अन्ना में जितने भी बैंक हैं उन लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ। वो बैंक में जाते हैं, पैसा नहीं मिलता है, बहुत लोग को तकलीफ होता है, घूमते रहते हैं, इधर नहीं होता है, ये पेपर नहीं होता है, किसी को मसूल नहीं है, किसी के पास में वो वैल्यूअर्स का नहीं मिलता है, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है, किसी के पास में पानी का टैक्स नहीं भरना। कुछ कुछ सर मोटिव रिक्वायरमेंट जो है अगर लोन लेने के लिए, वो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट मतलब से वो बेसिक वो है कि होना है, वो होने से काम आपका आसान हो जाएगा सर, वो दिक्कत नहीं है। लोन मिल बैंक सर, आज की जो बैंक है, ना केवल स्टेट बैंक इंडिया, जितने भी बैंक है सर, उन लोगों को लोन देना ही है सर। उन लोग लोन देने के लिए है, उन लोग मतलब उन लोग लोन देने से सर, उन लोग लोन उनका मोटिव है लोन देना है, तभी सर उन लोग का लोन देने से हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे, उन लोगों के स्टाफ को सैलरी दे पाएंगे सर। आप अपनी तरफ से जो है लोगों को आप क्या सुझाव देंगे, और आपने जो जो वेंचर स्टार्टअप किया है तो उससे लोगों को क्या लाभ होगा? कुछ नहीं है सर, लाभ बोलने का ये मतलब, मेरा बोलने का मतलब ये है, किसी को भी सर अंडमान निकोबार आइलैंड में और इंडिया में कोई अगर दिक्कत हो रहा है, अगर आपको घर बनाना है, अगर आपको कार लोन चाहिए, अगर आपको प्रॉपर्टी लोन चाहिए, अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए, कुछ भी एजुकेशन लोन चाहिए, मेरा नंबर मैं सर को दे दूंगा। आप मेरे पास आइए, जंगली घाट नीचे हमारा ऑफिस है, हमारे ऊपर में ऑफिस है, ठीक है सर। मैं अपना मेल आईडी दे दूंगा, मुझे मेल कर दीजिए। आप लोग मेरे पास आइए, 24/7 9 o'clock में आके बैठता हूँ मैं, 9 बजे तक काम करता हूँ मैं, 100% सिक्योरिटी देता हूँ मैं, आप लोगों का काम के लिए आऊँगा सर। अभी तो मैंने स्टेट बैंक के साथ की और टाई अप किया है, मेरे को आज सुबह से 4-5 बैंकों ने और भी फ़ोन किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने फ़ोन किया है, कैनरा बैंक ने कॉल किया है, ICICI बैंक ने काम कॉल किया है, PNB ने कॉल किया है, HDFC बैंक से कॉल किया है, तो दे आर कमिंग टू मीट मी टुमारो। अगर उनके साथ वेंचर बनता है तो मैं आप जितने प्रेस मीडिया के भाइयों और बहनों, मैं सभी लोगों को जागरूक करूंगा सर, बताऊंगा इस मैटर में, मैं जरूर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम
बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, और जैसा आपने अपना जो वेंचर के बारे में बताया है और जैसा आप लोन, आप काफ़ी लोगों को जो है आप खुद कह रहे हैं कि जो है लोन आप प्रोवाइड कर, मतलब SBI बैंक के थ्रू आप प्रोवाइड करा के देंगे, और हम आशा करते हैं कि जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो लोग जो है सर से आकर मिले, और जितने भी बातें सर ने कही है और आप आकर इनसे मिलिए, और सर जो है श्योरिटी दे रहे हैं आपको ये चीज़ का कि वो आपको लोन दिलाएंगे। जैसा सर में हम आपको ये भी बता दें कि होम लोन जो है सर के द्वारा जो है 8% उसमें इंटरेस्ट लगेगा। देन पर्सनल से जो बता रहा हूँ सर मैं जी, ये हमारा कुछ नहीं है जी, ये बैंक ही, ये बैंक है, और पर्सनल लोन 10.25%, कार लोन 9%, देन एट लास्ट एजुकेशन लोन 4%। तो ये सब जो है एजुकेशन लोन का भी आप बता दीजिए जी, कि जो बच्चा जो फर्दर स्टडी के लिए इंडिया में जाना चाहता है, जो पढ़ने के लिए मास्टर डिग्री करना चाहता है और फॉरेन जाना चाहता है, तो बैंक की अच्छी स्कीम है। 10 लाख तक का लोन के लिए सर कुछ मॉर्गेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, कुछ मॉर्गेज नहीं लगेगा, बच्चा को अकाउंट में सर पैसा आ जाएगा, वो बच्चा का कुछ भी नहीं है, और बैंक देने के बाद भी बैंक उनसे नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट नहीं पे लेगा। बच्चा पढ़ेगा, 2-3 साल पढ़ेगा, बच्चा के साथ एक एग्रीमेंट होगा, बच्चा नौकरी करेगा, नौकरी करने के बाद में बच्चा का सैलरी वहाँ पे आएगा, आस्ते आस्ते बच्चे का पैसा कटेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो हमें जो समझाया, और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं आप लोग ये सब चीजों का लाभ उठाए। आप सभी मीडिया पर्सन को मेरे तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मेरे शॉर्ट नोटिस में आप लोग मेरे से मिलने के लिए आए, और मैं कुछ अपनी अचीवमेंट बता जाया था, और आप लोग जो यहाँ पे शॉर्ट नोटिस में जो आए हैं आप लोग भाई और बहनों, मैं उसके लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और मैं ये बताना चाहता था कि आज हमें कल स्टेट ऑफ इंडिया की तरफ से मुझे जो भी होम लोन है, कार लोन है, पर्सनल लोन है, इसका पूरा मेरे को उन्होंने, होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, उन्होंने मुझे चैनल पार्टनर बना दिया है। इसके लिए मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किया है सर, जो बेटरमेंट हमारे जो आइलैंड के जो लोग हैं उनको बहुत बेनिफिट होगा, सिंगल विंडो का तरह काम करेगा। बहुत लोग सर आपको मालूम होगा कि बैंक किसी घर बनाना होता है तो लोग बहुत परेशान होते हैं, और बहुत लोगों को तो मतलब एक टेंशन आ जाता है कि क्या होगा, कैसा होगा, नहीं होगा। तो उसके लिए सर मैंने एक बैंक से, मेरी टाई अप हुई है स्टेट बैंक से हुई है, मेरी एक दो बैंक से और बात चल रही है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, कैनरा बैंक है, उसका भी काम बन जाएगा, तो मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है ना। कुछ बेनिफिट्स केवल यही है मैम, जिसको भी घर बनाना है, अगर वो प्राइवेट आदमी हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, बुजुर्ग हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबका काम बन जाएगा। पर्सनल लोन भी मिल जाएगी, होम लोन भी मिल जाएगी, कार लोन भी मिल जाएगी, एजुकेशन लोन भी मिल जाएगी, ठीक है। देखिए अभी SBI का नाम ले रहा हूँ क्योंकि SBI ने मुझे चैनल पार्टनर बनाया है, और लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आज की तारीख में SBI का लोन सबसे ज्यादा कम है, ठीक है, सबसे ज्यादा लोन कम है, मैं ये बताना चाहता हूँ। बाकी लोगों की जो बैंक जो है, लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक, कैनरा बैंक, उनकी थोड़ी सी होगी हाई है, मगर उनका भी सेम ही पैटर्न है, उनका भी जो वर्किंग है सब सेम रहता है, उन लोगों का यस बैंक है, सभी बैंक है, हमारा PNB है उसमें भी है, और सबका मतलब सिंपल वो है। लेकिन SBI से मेरा ये किया कि हमारे जो मेरा जो परिवार है, जब मैं छोटा था मेरे पिताजी के समय से मैंने SBI की पर बहुत फेथ जताया है, और इट्स वेरी नेशनल बैंक ऑल ओवर इंडिया, बहुत फेथ है इस बैंक के ऊपर, लोगों का भी बहुत फेथ है, तो इसलिए मैंने हमारा जितनी भी अकाउंट्स है मेरे सब कुछ करना होता है कर लेते हैं, मैं काम करता हूँ बैंक के लिए, मैं काम करता हूँ, बस केवल यही है। गवर्नमेंट सर्वेंटों को लोन मिलने में कोई दिक्कत भी नहीं है, लोन मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट आदमी का लोन लेने के लिए सबसे बड़ी बात एक ही होती है कि उनका पैन कार्ड होता है, और उनका सिविल जो है, सिविल बोलते हैं, सिविल सही होना चाहिए होता है। सिविल किसको सही बोलते हैं कि अगर उन्होंने कोई लोन लिया है, उन्होंने कोई रीपेमेंट नहीं किया है, तब उनका सिविल थोड़ा खराब हो जाता है, दे विल कम इन NPA लाइक दैट। अगर वो रीपे कर रहा है तो अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई परेशानी नहीं है, और बहुत सिंपल वे से हमारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
लोग हमारे पास आइए, जिसको घर बनाना है हमारे पास आइए, देखिए आधा घंटा में होगा। केवल जमीन का पेपर लाना होता है, जमीन का पेपर लेके आइए, पट्टा का वो लाइए, जो उन्होंने जो घर का जो हर साल में बांधते है क्या बोलते हैं उसको हाउस, महसूस तो 2 रुपया रखता है वो है हाउस कंजर्वेटिव बोलते हैं, पानी का जो बोलते हैं, 3 चीज केवल बांधना होता है, वो अगर रहेगा हाउस का जो प्रोटेक्स बोलते हैं, वो 3 चीज अगर रहेगा हमारा काम जो है इसका वैल्यूशन का काम रहेगा, फिर हमारा म्युनिसिपल से वो रहेगा हमारा ये जो हमारा ये लेते हैं हम लोग जो वेल्डर का रहेगा और हमारा ये काम रहेगा सर जो हम लोग का जो ड्राइंग अप्रूव करना पड़ता है तो सब हमारा पार्ट रहेगा सर। अगर लोग आएंगे उसमें भी 15-20 हजार का खर्चा होता है, कम मैं उनको फ्री में करके दूंगा सर, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म फॉर्म एक फ्री। मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, जैसे कि कोई कोई यूथ है मतलब हमारी तरह कोई यूथ है, तो वो अगर आपसे आके कंसल्ट करें तो कुछ जो है अपना अपनी तरफ से कुछ उन्हें जॉब करने मतलब अपना कुछ भी खोल रहे हैं जॉब वगैरह, तो उसमें आप क्या सहायता करेंगे? किस तरह का सहायता चाहिए? मतलब कोई भी तरह का शॉप जैसा कुछ भी अपना बिजनेस करना है तो उसमें किस तरह का आपको हेल्प करोगे, हम ये जानना चाहते हैं। आप भेजिए सर, बताओ। काफी यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है, यहाँ पर आपको पता है कि लोग यहाँ पर पढ़कर बैठे हैं लेकिन जॉब गवर्नमेंट जॉब नहीं निकल रहे, और गवर्नमेंट जॉब जब निकलता भी है तो बाहर के लोग आकर यहाँ पर आकर एग्जाम देते हैं, वो लोग बाहर की जो पढ़ाई करते हैं वो उनका मतलब जो लेवल है वो अलग है, यहाँ का लेवल अलग है, तो काफी जो है बाहर से जो आते हैं उन लोगों को जो है यहाँ का जितना बोझ निकलता है मैक्सिमम जो है 60% जो है उनको मिल जाता है जॉब, और यहाँ के लोग वैसे के वैसे रहते हैं, तो यहाँ के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है जो लोग पढ़ कर बैठे हैं और वो लोग अपना स्टार्टअप बिजनेस करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या आपसे? जी 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 बताना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा आपने बहुत रोहित सर, रोहित सर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा रोहित सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप मैं आपको नंबर दे दूंगा, मैं नीचे ऑफिस में बैठता हूँ, नीचे हमारा ऑफिस है, बच्चों को बोलिए मेरे पास आके मिल लीजिए एंड आई विल गिव 100% एश्योरेंस, ठीक है सर, 100% एश्योरेंस देता हूँ मैं उन लोगों के लिए करके दूंगा सर। हाँ, उन लोगों का एक दो चीज ये रहना चाहिए, ये फर्स्ट उन लोगों का 19 रुपये में कोई बोल नहीं होगा, पुलिस वेरिफिकेशन साफ होना सर, ठीक है, उन लोग का कोई केस नहीं चल रहा, ठीक है, मतलब मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ सर, ये नहीं होना है, होगा लोग अभी इस वक्त आपको देख रहे हैं तो देखने के बाद लोग आपके पास आएंगे आपको अप्रोच करेंगे सर, तो इसीलिए आप उनको बता दीजिए कि क्या क्या चीज चाहिए। सर कुछ भी नहीं चाहिए रोहित सर, कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जितने बच्चों को बोल रहे हैं ना सर, आप मेरा नंबर ले लीजिए, नंबर को फ्लैश करिए, आप मैं नीचे बैठता ऑफिस में, हमारी वाइफ बैठती है, मैं 9 o'clock में पूजा करके नाश्ता करके मैं आ जाता हूँ, मैं आराम को 8 बजे तक सर्विस देता हूँ, आप लोग बोलेंगे मैं 9 बजे तक बैठूंगा सर रोज जी रुपये में, ठीक है मैं बैठूंगा, आप किसी बच्चे को भी मेरा नंबर दे दीजिए, मैं आपको एक काम करूंगा, मैं 500 कार्ड अपना बना लूंगा, मैं आपको कार्ड दे दूंगा सर, आप मेरे पास भेजिए, कोई बच्चा को भी दिक्कत नहीं आएगा सर, मैं करा के दूंगा, इट्स माय प्रॉमिस सर, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए रोज जी, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे खुशी लगेगा, बस मेरे के लिए खुशी है बच्चा के लिए, ठीक है बच्चा के लिए खुशी रहेगा, बच्चा आगे बढ़ेगा तो मेरे को इससे बड़ा खुशी नहीं है, आर्यन का बच्चा है, वो अगर कुछ मिल जाए, नौकरी करना है उसमें जमीन अगर है, अगर उसका दुकान है ये है, अगर वो बिजनेस करना है वो भी करूंगा, मैं बिजनेस कर लूंगा स्टार्टअप के लिए उसको आइडियाज भी दूंगा, कि मेरा जो सामान है कोलकाता से मैं नहीं लेता हूँ, मैं चेन्नई से मंगाता हूँ, कोलकाता से मंगाता हूँ, फिर से मंगाता हूँ, मैं उनको गाइड करूंगा सर, बस हम यही कहना चाहते हैं, और देखते रहे आप न्यूज़ अब तक फुल लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स, उसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन महेश नारायण के साथ न्यूज़ अब तक, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, हमारा अपना न्यूज़ अब तक, अब सच देखेगा अंडमान।